दोस्तों चैनल पर सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर यूपी ट्रिपल एससी के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड यहां पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज में मैं करवा रहा हूं आपको। पार्ट नंबर 3 है आज वन लाइनर सीरीज का। आपको बता दें कि पीडीएफ यहीं से मिलेगी, जैसे ही 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे पीडीएफ यहीं पर इंडेक्ट की जाएगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम टॉप 1000 आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, 100 हो चुके हैं और पार्ट नंबर 3 में इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, जहाँ से खत्म किया था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज का पहला सवाल। भविष्य में सुपर मून परिघटना कब घटित होने की संभावनाएँ हैं? 25 नवंबर 2034 को अगली सुपर मून परिघटना होगी। जुलाई 2017 में WHO द्वारा किस देश को इबोला वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया? कांगो लोकतांत्रिक रिपब्लिक को, ठीक है, यहाँ पर कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को WHO ने इबोला वायरस से मुक्त घोषित कर दिया। इबोला को एलिमिनेट कर चुका है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ईविन योजना में आई का क्या मतलब है? आई का यहाँ पर मतलब है इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस यहाँ पर मतलब है ईविन में आई का। और 3 जुलाई 2017 को सतह से वायु पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा, ठीक है, DRDO ने किया था इस तरह का प्रशिक्षण। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, वयोश्री योजना चलती है आंध्र प्रदेश में और शादी मुबारक योजना भी चलती है आंध्र प्रदेश में ही। कुपोषण समाप्त करने के लिए दस्तक अभियान संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले दस्तक अभियान को शुरू किया। 2017 में ब्रिक्स खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? चीन में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? ओलंपिक समर ओलंपिक टोक्यो का होगा 2020 में अब, और उसमें 5 नए खेलों को और शामिल करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने हाल ही में किन दो देशों को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया है? एक तो आयरलैंड को, एक अफगानिस्तान को, ठीक है, आयरलैंड और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत ने एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच भी खेला था बेंगलुरु में, है ना। अगला, देश में किस राज्य संघीय क्षेत्र में क्रियाशील ज्योतों की संख्या न्यूनतम है? चंडीगढ़ में, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष, जो कि इस समय हमारे अरुण जेटली हैं। समावेशी विकास सूचकांक के विकासशील देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 60वां, ठीक है, 60वां यहाँ पर स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2016 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 66वां, ठीक है, 66वां स्थान मिला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016 में। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से लेटेस्ट वाले में कितना स्थान प्राप्त है? क्या 27वां स्थान प्राप्त है? कमेंट्स में लिख करके बताइए। अमेरिकी पत्रिका फॉर्चून ग्लोब 500 में भारत की कौन सी कंपनी अपना स्थान बनाने में सफल रही? टाटा मोटर्स। किस कंपनी ने ई वीज़ा पर भारत आने वाले पर्यटकों के लिए प्री लोडेड सिम कार्ड प्रदान करने की पहल की है? BSNL ने। प्री लोडेड सिम कार्ड होगा ये टूरिस्ट को मिलेगा जो कि ई वीज़ा के तहत भारत आएंगे पर्यटन के लिए। PSLVC 38 के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। PSLVC 38 सफलतापूर्वक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कार्टोसेट सेकेंड सीरीज का सेटेलाइट भेजा गया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह PSLV का लगातार 38वां सफल मिशन था। तो इसका आंसर है कूट 1 और 2, दोनों यहाँ पर सही हैं। और मलाबार अभ्यास 2017 किससे संबंधित है? मलाबार युद्ध अभ्यास 2017 USA, जापान और भारत के बीच नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। पहले इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा इस बार, ठीक है। संसदीय समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? समिति के पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया एक सचिवालय होता है, यहाँ पर गलत है। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोट का उपयोग कर सही उत्तर बताना है। तो चांदी का टका एक तरफ है अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने को ही फिरोज शाह तुगलक, दार उल शफा इल्तुतमिश, शाह ने मंडी मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर कूट होगा ए से हम लोग 4 को मिलाएंगे, यानी कि चांदी का टका जारी करते हैं मोहम्मद तुगलक, और थर्ड को मिलाएंगे यहाँ पर बी से। तो यहाँ पर दार अल शफा का यहाँ पर संबंध है फिरोज शाह तुगलक से, और सेकंड का यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि दीवानी कोही का यहाँ पर मतलब है मोहम्मद तुगलक से, और 4 का यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि शाह मंडी संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी से। तो ये यहाँ पर सही मैचिंग होगी।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन के योजना के कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है? एडहॉक समिति, ठीक है, एडहॉक कमेटी यहाँ पर सदन के कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन का सा कथन सही नहीं है? समिति के सदस्यों की सदस्यता 5 साल की होती है, ये गलत है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्यों का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद के सदन के कार्यक्रम और समय सारिणी को नियंत्रित करती है? व्यापार सलाहकार समिति, इसका आंसर ये है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ग्रामीण विकास समिति, पंचायती राज मंत्रालय सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद सदस्यों को आचार संहिता लागू करती है? एथिक्स कमेटी, एथिक्स कमेटी संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करने का काम करती है। समिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक व्ययों को कम करने के लिए सुझाव देना, ये काम किसका होता है? अनुमान समिति का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है? बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52, ठीक है, 52। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? अखबार, अखबार आता है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समवर्ती सूची संचार, संचार नहीं आता है समवर्ती सूची में, ठीक है। और केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा किस भाग में की गई है? 11वें में, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन से या फिर कौन सा राज्य सरकार द्वारा लगाए वसूले और रख लिए जाते हैं? कौन से कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, वसूले जाते हैं और उन्हीं के द्वारा रख लिए जाते हैं? तो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, भू राजस्व कर, पथ कर, कृषि आय कर, और इसका आंसर है सभी। सभी यहाँ पर कर लगाए जाते हैं राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार के द्वारा ही रख लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित है? सरकारिया कमीशन, ठीक है, सरकारिया आयोग। जब उसने राजसत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था, ये किसके बारे में है? जियाउद्दीन बरनी ने उपयुक्त वक्तव्य दिया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जियाउद्दीन बरनी ने कहा था, जब उसने राजसत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र हुआ करता था। आगे, निम्न में से कौन सी सिफारिश सरकारी आयोग की नहीं है? समवर्ती सूची पर कानून बनाने के पहले राज्यों से परामर्श की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सरकार या आयोग की सिफारिश नहीं है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? नागरिकता से है, ठीक है, सिटीजनशिप। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है, तो ये यहाँ पर असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत में राज्य और केंद्रों की नागरिकता अलग अलग होती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। एक ही नागरिकता होती है भारत में, दो नहीं होती हैं, दो यूएस जैसे राष्ट्रों में होती हैं। प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं हम लोग? ए और सी को। यहाँ पर ए और सी का कुछ तो बताया नहीं गया, खैर आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण, श्रमण कहते हैं, ठीक है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अतरंजीखेड़ा से, अतरंजीखेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयीन ने, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र, ठीक है, सुभद्र। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या फिर सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये पता है आपको, कुंडल ग्राम कश्मीर, कुंडल वन या कुंडल ग्राम कश्मीर। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में जो है इस समय, और शहबाजगढ़ी जो इस समय पाकिस्तान में है, यहाँ से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का, खरोष्ठी लिपि में ही ज़्यादातर अशोक के शिलालेख थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मुहरें चलवाई थी? कुषाण शासकों ने, ठीक है, कुषाण शासकों ने। और सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने की मुद्राएं किसने चलाई थी? आप लोग कमेंट्स पे लिख करके बताइए, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है, देखते हैं किसको आता है ये। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने
पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था, ये है शेन गुट्टवन। ठीक है, शेन गुट्टवन इसका नाम याद रख लीजिए, चेर शासक है जिसने कप्पनी के मंदिर का निर्माण कराया था। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है? अगस्त्य ने, अगस्त्य ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है। गुप्त वंश के हस्त के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। ठीक है, भीमदेव फर्स्ट।